सब, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अपना हाल चाल प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और आज है गणेश चतुर्थी और डेट है 23। तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सब पे अपना प्यार बनाए रखे। और ये रो रहे हैं क्योंकि इनको चाहिए फोन। और देखिए अभी अभी मैं पूजा करके आई हूँ, और धूम धड़ाके वाली पूजा जब सारी फैमिली इकट्ठी हो जाएगी ना, क्योंकि इसके पापा ड्यूटी चले गए हैं, तो तब जाके अच्छी वाली पूजा करेंगे। अभी तो मैंने नॉर्मल वाली की है। मैं आपको सूट दिखाना तो भूल ही गई, आज मैंने ये वाला सूट पहना है, ये वाला, सॉरी ये वाला है, ये गोल्डन कलर का है, काफ़ी दिन में मैंने पहना है ये। पता है मेरे कपड़े ना सारे इसमें बैड में बॉक्स में आ जाते हैं, तो इसलिए एक अलमारी में नहीं आते, तो बहुत परेशानी होती है। कभी कभी तो भूल भी जाते हैं, कभी कभी जैसे दिवाली होली पे ही मैं इसको बॉक्स को साफ़ करती हूँ। डेली डेली तो इतना टाइम नहीं होता कि इसको साफ़ करें, तो तब निकालती हूँ ना दिवाली, अरे ये भी था मेरे पास, अरे ये भी था, ऐसे होता है। और अनमोल क्या हुआ, देखिए अनमोल से बातें कर लीजिए, जल्दी आइए। पता है सब लोग कह रहे थे अनमोल बहुत अच्छा है, अनमोल बहुत अच्छा है ना। देखो वो गुस्सा हो रहा है, वो गुस्सा क्यों हो रहा है, क्यों उसे पूरे दिन फ़ोन चाहिए। हाँ हाँ फ़ोन देंगे, आ तो जाओ, आओ जल्दी आओ। तो यहाँ पे हो रही है बारिश, मौसम हो गया है बहुत अच्छा है। क्या मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, पता है मुझे कभी कभी लगता है कि मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रही, पर मैं जल्दी जल्दी नहीं बोलती हूँ, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता चलता, आप बताना कि मैं जल्दी बोलती हूँ। और ऐसे भी बोलूँगी धीरे धीरे, कैसे हैं आप, क्या हो रहा है, तो ये भी नहीं अच्छा लगेगा ना। मेरे को लगता है ठीक ठाक बोलती हूँ। आ जाओ ना, तो सबको अच्छा बोल दो ना, हैप्पी गणेश चतुर्थी प्लीज़ बोल दो। अच्छा फ़ोन दे देंगे, बोल दो हैप्पी, देख रहे हो ऐसे रोता छोटे बच्चों। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, फिर आप बोर हो जाएंगे, कुछ आगे करते हैं ब्लॉग में जो दिखाएंगे आपको। और आज मेरा मन कर रहा है बाल खोलने का, पर शाम को देखती हूँ खोलूँगी। और मैं ना शाम को साड़ी पहन के पूजा करूँगी, इस सूट में नहीं करूँगी। वैसे ये सूट भी अच्छा लग रहा है ना, बताना प्लीज़। ये देखिए आप, देखिएगा अब दिख रहा है ना, इस तरह से नहीं कैसा अच्छा लग रहा है ना मैं। तो चलिए बहुत बातें हो गई। तो मैं बना रही सूजी का हलवा, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, तो पता है सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ उनके लिए भोग लगाने के लिए। तो पहले सोचा लड्डू बनाओ, तो फिर अब लड्डू बनाने में लग जाएगा टाइम, क्योंकि ये भी लेट आए थे आज, तो जो मैंने किसी मंगाया था वो लेके नहीं आए। तो मैंने सोचा चलो मैं सूजी का हलवा ही बना लेती हूँ। तो यहाँ बना रही थी मैं सूजी का हलवा, तो मैं ये चेक कर रही थी कि सूजी में कोई कीड़े वीड़े तो नहीं आए, क्योंकि बारिश वाला सीजन है ना, तो ऐसा लगता है दिल में बहम सा रहता है कि कुछ है तो नहीं, तो पर कुछ नहीं था, बहुत अच्छी थी। तो ये मैं सूजी को सबसे पहले भूनती हूँ, मतलब सब लोग पहले घी डाल के करते हैं, नहीं पहले मैं भूनती हूँ, जब उसमें खुशबू आने लगती है उसके बाद मैं देखती जाती हूँ मुझे कितने घी की आवश्यकता है, तो उसी के अनुसार मैं इसमें घी ऐड करती हूँ। तो मैंने देख लिया था मुझे जितना घी चाहिए था, उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था, उसके बाद मैंने शुगर डाल दिया था। यहाँ बीच में मैं गुनगुनाने लग गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है गुनगुनाने का, तो गुनगुनाने के साथ साथ काम भी होता रहता है, जल्दी पता नहीं चलता। तो यहाँ देखिए गुनगुनाते गुनगुनाते मेरा हलवा भी रेडी हो गया है। तो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स तो ख़त्म हो गए थे, मुझे एकदम याद नहीं रहा था बिना बताने का, तो बस मैंने फिर ऐसे ही, तो यहाँ मैं भगवान जी के पास मैंने भोग लगा दिया है उनको, तो उसके बाद मैंने चाय भी बना ली थी। तो ओके बेटा, हाँ बेटा अभी देख रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, चलो हम हलवा लेके आ रहे हैं आपके लिए। बना दिया, मुझे किचन में दिखाने आ रहा था, मम्मी देखो मैंने ये सब बनाया, तो ना वो अंडरलाइन कर लेता है सबके ऊपर, उसे बहुत आदत हो गई है, और बड़ी फास्ट करता है, अच्छा भी करता है, मतलब आउटलाइन को बाहर नहीं जाने देता है। तो ये देखिए मैंने इधर हलवा भी लगा दिया है, और आज अनमोल ने चाय पीने से मना कर दिया था, बोला नहीं मम्मी, मैंने बोला ना उसे, मन का दीदी मना करती है, सब लोग मना करते हैं बेटा बच्चे के लिए चाय अच्छी नहीं होती, तो वो देखो खुद ही मना कर दिया उसने, बहुत वो समझता भी बहुत है। फिर कभी कभी होता है ना बच्चे को जिद चढ़ती है, सब बच्चे को लगता है कि ये चार लोग ये चीज़ खा रहे हैं तो मुझे भी खाने चाहिए, तो बस यही वाली बात हो जाती है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा समझदार है। देखिए यहाँ हम आ गए हैं अपने गणेश भगवान की पूजा करने, तो उस दिन गणेश चतुर्थी थी, तो पता है हम इनका इंतज़ार करते करते ना हम बहुत लेट हो गए थे पूजा के लिए, तो इनको ना अचानक से फ़ोन आ गया, जाना पड़ गया क्योंकि इनका जॉब ही ऐसा है, तो बस हम दोनों माँ बेटा ही अकेले फिर पूजा कर रहे थे। हमने देखिए ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, गणेश भगवान जी की मूर्ति थी जो हमने किया श्रद्धा भाव से किया। ये देखिए हमारे गणेश भगवान जी बैठे हैं, गणेश भगवान जी लक्ष्मी मैया के पास बैठे हैं,
तो मैंने जो ये घर में था मैंने इसी से कुछ कर लिया था। और फूल वूल तो मिले ही नहीं थे क्योंकि उस दिन संडे था, तो संडे को सारी शॉप बंद होती है। और इधर देखिए मेरा बच्चा कितना समझदार है, वो अपने कपड़ों की ना बाहर से आता है ना तो वो उनको उतार के रखता है, तो वो खुद ही उनका तय बनाता है। देखिए हमने उसे नहीं सिखाया है, वो अपने आप से ही सीख गया है। आप देख रहे हो कितनी अच्छी तरह से बना रहा है, आप बिलीव नहीं करेंगे। ये बहुत सारे काम ना मेरे साथ ऐसे कराता है, तो मुझे लगता है कि हाँ मेरा बेटा बहुत ज़्यादा समझदार है। और ऐसी चीज़ ना बच्चे बहुत अच्छी तरह कर भी लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये सब्ज़ी लेके आए थे तो मैंने इनको भी वॉश करके रख दिया है, जब इनका पानी थोड़ा सूख जाएगा तो मैं फ्रिज में इन्हें लगा दूंगी। मैंने सबको वॉश करके रख दिया है। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ चटनी बनाने, क्योंकि आज था हमारा कुछ ना तीखा तीखा खाने का मन, तो मैंने कहा चलो चटनी बनाती हूँ। चटनी में बनानी थी टमाटर, धनिया, जीरा, हींग और हरी मिर्च और नमक, बस यही मैंने इसमें डाला है। तो बस मैं इसे पीस लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। चटनी मैंने बना दी थी, चटनी मेरी बन गई थी। उसके बाद मैं ये धनिया काटने लग रही हूँ, ये धनिया मैं किसी और के लिए काट रही हूँ। तो चटनी तो मेरी बन गई थी, तो मैं धनिया को देख रही थी, पता है धनिया में पत्ते ना काले काले पीले पीले ज़्यादा आने लगे हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने कान्हा जी को नहलाने, तो मैंने कहा चलो नहला देती हूँ। प्लीज़ एक लाइक मेरे कान्हा जी के लिए कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो। और मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, प्लीज़ शेयर भी कर सकते हो आप लोग। तो उसके बाद मैं आ गई थी आलू की पिट्टी बनाने, मुझे बनाना था कुछ और लेकिन मेरे आज हस्बैंड ने डिमांड की कि आलू के पराठे बनाओ। तो मैं आलू के पराठे सच में मेरे बहुत अच्छे बनते हैं, जब मेरी नई शादी हुई थी ना तो मैंने ससुराल में 3-4 महीने आलू के पराठे ही बना बना के खिलाए थे, क्योंकि मेरी शादी नवंबर में हुई थी तो वो सीजन ठंड में ना ऐसी चीज़ अच्छी भी लगती है। तो एक टाइम रोज आलू के पराठे बनते थे मेरे घर पे, सबको पसंद आते थे मेरे ससुराल में। देखिए मेरे पराठे भी बन रहे हैं, और देखो कितने अच्छे अच्छे पराठे बन रहे हैं ना। सब पता है 2 लेयर के पराठे ना थोड़े कच्चे कच्चे हो जाते हैं, और ये देखिए मेरा पराठा मैंने ना इसमें भर भर के पिट्टी डाली है। और ये देखिए मेरी सादा सिंपल सी थाली थी और इनको इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद आई थी बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मेरा बेटा भी खा रहा है कुछ ना इसकी वजह से। तो देखिए मैं इससे पूछ रही थी खाना कैसा, तो बड़ा धीरे धीरे बोल रहा था बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। मैंने कहा कैमरे को फेस क्यों नहीं कर रही, तो अभी पता है इसके थोड़ी देर पहले ना इसके चांटा लग गया था तो इसको गुस्सा आ रही थी। देखो किचन में जाना पड़ा है क्योंकि वो रो रहा है पागल लड़का। तो अब मैं ना एक दो दिन अपना मतलब ये जो डेली ब्लॉग वाला है ये थोड़ा बंद करूंगी, अब एक दो दिन मैं डांस डालूंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन चाहता है कि मैं डांस करूं और आप मेरा सब डांस देखो। तो कुछ अलग करने की सोच रही थी, मैंने कहा डेली ब्लॉग तो मैं कहा चलो अब जो आता है तो उसे ट्राई करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, लाइक करने में तो किसी का कुछ नहीं रहता, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आता तो मैं तब भी सबका लाइक कर देती हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए नमस्ते।